स्टॉक मार्केट से जरा कुछ खबरें बताइए। यस 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 यस, स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि नियरली 1 लाख पॉइंट्स तक चली गई थी, लेकिन फिर जाने वाली थी तो वापस आई। अब उसमें सुन रहे हैं कि रिकवरी हुई है। ये तमाम तरह है, ये हुए क्यों, इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया और उसकी फिर रिकवरी, इसके रीजन हम जान लेते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत से लोग पॉलिटिकल को भी इसमें दोष दे रहे हैं, बट देयर वाज अनदर फैक्टर एंड दैट फैक्टर वाज आई गेस प्रॉफिट टेकिंग, डिविडेंड टेकिंग। तो ये कितना ज़्यादा असर किया था कि जिसकी वजह से मार्केट नहीं चाहिए डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ठीक कहा है। देखिए मार्केट टॉपिश तो थी, विच मीन्स के यू नो 20-25 हज़ार पॉइंट्स का सफ़र जो है वो तवातर से मार्केट ने किया और काफ़ी यू नो क्विकली किया। बट टेलविंड्स बहुत सी थी, IMF का इंगेजमेंट हो गई, उनका एक रिव्यू आया, वो भी आई थिंक मतलब कंफर्टेबली कह लें या हो गया। फिर उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल फैक्टर्स देखें तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन नीचे आई, सारी दुनिया की मार्केट्स अच्छा ट्रेड कर रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की अच्छी है, इन्फ्लेशन होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है, गवर्नमेंट को लेंड कर करके कमा रहे हैं, फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर बेहतर हुआ, थोड़ी सी पिकअप गाड़ियों में आई। सो ये सारी टेलविंड्स। और फिर अथॉरिटीज़ बार बार चूंकि इकॉनमी को एम्फसाइज करती हैं कि यू नो वी वांट टू डू सीरियस स्टफ, उम्मीद है कि सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान, ये हमने ही 2014 में लिखा था मुझे याद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने आई थिंक तकवीत दी, दीज वर ऑल द टेलविंड्स। अब मार्केट जब इतनी टॉपिश थी तो मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर you know looking for a reason to correct, jise aap kahenge ki ek saans le le markets, jo thodi si overbought position hai wo theek ho jaye, institutional buying jo aayi hui thi wo thodi tham jati hai, so you know all I think that political backdrop jo kal ka tha aur 2-3 din mein wo raise hua, pehle to market ne usko authorities ki belief pe liya ki kahin pe ruk jayega, फिर वो चूंकि थोड़ा सा एस्केलेट हो गया और कल काफ़ी एस्केलेटेड लग रहा था और अनकंफर्टेबल लग रहा था फॉर द होल कंट्री, आई थिंक दैट प्लेड दैट जैसे कहेंगे उसने उसको इम्पिटस प्रोवाइड किया, वो जो करेक्शन थी तो वो करेक्शन हो गई, आपने 3.5% के करीब की एक करेक्शन देख ली एंड इट वॉज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स दी हाइस्ट एवर करेक्शन इन वन डे। सो इससे इमेजिन कीजिए कि कितनी टॉपिश थी मार्केट और कितनी यू नो करेक्शन आया वहाँ पे। जो बहुत बड़ा टेलविंड है और यू नो आज फिर मार्केट ने करेक्ट किया है वो ये है कि कंटिन्यूटी रहेगी, सर्कमस्टांसेस कंफर्टेबल रहेंगे, सर्टेंटी रहेगी, चीज़ें चलती रहेंगी, माइक्रो स्टेबिलिटी फंड के साथ रहेगी, ये सारी प्री सपोजिशंस हैं मार्केट की जिस पे मार्केट बेस करती है जब वो चलती है। और दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आर द फॉलोइंग, जब पॉलिसी रेट इतना नीचे आ जाता है तो यू गो टू अ बैंक, अभी तो आपको याद है बैंकों ने कहा था 5% लेंगे अगर आपने डिपॉजिट रखा हुआ है 3 या 5 अरब रुपए का, वो तो चले आई थिंक इट वाज एन अनफॉर्चुनेट थिंग और वो रिमूव कर दिया, बट यू गो टू अ बैंक आपको 7-10% से ज्यादा नहीं मिलेगा, सो दैट्स नॉट अ गुड रिटर्न। सो जो रिस्क ऑफ रिटर्न है वो बहुत ही कम था इन द फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज 15% पॉलिसी रेट आ गया और आगे भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा। और दूसरा प्रॉपर्टी अगेन यू नो जिसपे अब उम्मीद है कि हम आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी टैक्सेशन इस तरफ जा रहे हैं, नो योर कस्टमर, तो अगर आप उस तरफ जाएंगे तो मार्केट यानी कि रिस्क वाले जो रिस्कियर एसेट्स बिकम मोर ऑफ अ चॉइस। आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को प्ले कर रहे हैं। बट पी दोबारा जो है मार्केट का जो प्राइस टू अर्निंग्स है जो बहुत नीचे चला गया था, आई थिंक इट्स प्रॉबेबली गॉन अबव 5, तो अब नीश आपको एरियाज ढूंढने हैं जहाँ पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढ सके। अच्छा डॉक्टर साहब, यू नो अमिड द पॉलिटिकल सिचुएशन, अमिड ऑल एवरीथिंग, जो भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो सकते थे एक मार्केट के लिए, उसके बावजूद मार्केट ने जो रेजिलियंस दिखाई है आई गेस दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले भी मुल्क में सियासी सूरत हाल, हम यही कहते हैं ना कि तरक्की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस्लामाबाद में ऊपर नीचे मामला, तो लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने इतना ज़्यादा स्टंबल नहीं किया, मार्केट ने जो रेजिलियंस दिखाई है दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, डू यू एग्री टू दैट? देखिए आई थिंक इस वक्त जो सबसे बड़ी तकवीत इकॉनमी को मिल रही है वो IMF की कंटिन्यूड इंगेजमेंट से है, और मार्केट्स चूँकि फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं तो जो IMF की इंगेजमेंट है
वो अगर 3 साल हम कंप्लीट कर लेते हैं तो मार्केट्स ये समझती हैं कि 3 साल का डिफॉल्ट रिस्क ख़त्म हो गया, 3 साल की एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू हो गया, 3 साल के लिए जो एक सर्टेंटी है ऑफ यू नो मालियाती खसारे को संभालना और एक्सटर्नल को संभालना, ये आ गया। सो पीपल आर विलिंग टू पुट मनी। और इन्फ्लेशन जो है वो एस्टिमेट से ज़्यादा नीचे आई है और उसकी वजह से पॉलिसी रेट कम होते दिखाई और भी दे रहे हैं और आपके पास एवेन्यूज कम हो गए हैं। और आखिरी बात आपकी जो है, देखें मैं मतलब आई एम नॉट अ पोलिटिकल साइंटिस्ट बट यू नो इतनी तो समझ है कि जो पॉलिटिकल और लीगल मसाइल हैं वो पॉलिटिकली और लीगली ही हल होने हैं और हल होने चाहिए फ्रॉम ऑल द साइड्स, चाहे वो अथॉरिटीज़ हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, नेशनल असेंबली का मिक्स है, इस्टेब्लिशमेंट का मिक्स है, जुडिशरी का मिक्स है, ये सारे पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज़ को सॉर्ट होना चाहिए। और यू नो इतनी पॉलिटिकल और जिसे कहेंगे बुर्दबारी और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए इनको हल करने के लिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स नहीं हैं जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिवली या एडमिनिस्ट्रेशन को तोड़कर एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हम हल कर सकें। आई थिंक दैट्स द प्रिवेलिंग थाट। दिस इज़ अ गुड थाट, दिस इज़ अ सेंसिबल थाट, दिस इज़ अ मेरिट बेस्ड थाट। सो अगर आप इन सब चीज़ों को लें तो मार्केट्स ये समझती हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ आएगी और हम इसको आगे लेकर चलेंगे। और दूसरी बात ये भी याद रखिए, चाहे वो बेलारूस हो, सऊदी इंटरेस्ट हो पाकिस्तान में, चाइना के साथ बहुत सी चीज़ें होनी हैं, ये सब काम भी एटलीस्ट यू नो मे बी एट अ स्नेल पेस पर हो रहे हैं। पर आखिर में मैं हमेशा इस सारी गुफ्तगू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता होता हूँ। यू नो मैंने हमेशा, मैं प्रोपोनेंट हूँ, चूँकि मैंने 13-16 का IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए सपोर्ट किया था, चलाया था। देखिए IMF का जो प्रोग्राम है उसने आपको एक वक्त और एक स्पेस बाय कर दी है। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि इस एंगेजमेंट से एनर्जी सेक्टर रीऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है कि जो आपकी ग्रोथ, यानी कि जब भी 5-6% ग्रो करते हैं तो इकॉनमी नोज ड्राइव कर जाती है कि वो मसला हल हो जाएगा। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि PIA बिक जाएगी या डिस्कोस बिक जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाएगी। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है, जो पाकिस्तान का रिटेल है, जो पाकिस्तान का रियल एस्टेट है, जो पाकिस्तान की ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन है, ये खुद ही हो जाएगी। अगर ये मैं 4 चीज़ें आपके सामने रखूं और फिर कहूं कि पाकिस्तान को ये काम करने की स्पेस मिल गई है, वक्त मिल गया है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है वो मैंने अपनी ज़िंदगी में 2013, 2019 और अब 2024 तीसरी मर्तबा देखा है। रिजर्व्स तीसरी मर्तबा राइज किए हैं, करंट अकाउंट तीसरी मर्तबा संभला है, इन्फ्लेशन तीसरी मर्तबा नीचे आई है। एवरी टाइम द कॉमन डिनोमिनेटर वॉज के फंड की इंगेजमेंट थी। सो याद रखिए, पर ये स्ट्रक्चरल काम जब तक नहीं होंगे, और स्ट्रक्चरल ज़्यादा मतलब मैं कोई टेक्निकल नहीं होना चाहता, ये फंडामेंटल काम है ना, सबको मालूम है कि डिस्कोस ब्लीडिंग है, सबको मालूम है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन नहीं है। अगर ये काम करने हैं आपने तो आप IMF को भी 3 साल बाद कंफर्टेबली शायद खुदा हाफिज़ कह पाएंगे और जॉब क्रिएशन में जाके पावर्टी रिड्यूस करेंगे। अब ये है असल टेस्ट, वरना तो पिछले 5-6 साल में तीसरी मर्तबा वहीं पे एग्जैक्टली खड़े हुए हैं जहां फंड के प्रोग्राम के साथ। इन शॉर्ट यू मीन कि वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन द सिचुएशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान अजीज साहब, हमारे साथ आप और माशी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। आई होप कि माशी सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी इन फ्यूचर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।